क्या शाहरुख खान के सामने झुकने को तैयार हैं ऋतिक रोशन? क्या पठान के लिए कुर्बान करेंगे फाइटर की रिलीज डेट? जी हां, साल 2023 का सबसे बड़ा क्लैश जो पठान और फाइटर के बीच होने वाला था वो अब टल गया है। ऋतिक रोशन की फिल्म रिपब्लिक वीकेंड पर रिलीज नहीं हो पाएगी और शाहरुख खान को सोलो रिलीज मिल जाएगी। हालांकि इसी के साथ बहुत सारे फैंस के दिलों में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या ऋतिक ने शाहरुख के डर से अपनी फिल्म की रिलीज डेट टाली है? क्या वो शाहरुख के कमबैक वाली फिल्म से रिस्क नहीं लेना चाहते? तो उन लोगों को बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वजह है उनकी डेट्स, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग में हो रही है लेट। अब फाइटर का डिले समझने के लिए आपको ऋतिक की पुरानी फिल्म पर एक नजर डालनी पड़ेगी। दरअसल ऋतिक रोशन इन दिनों सैफ अली खान के साथ विक्रम वेधा की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। उनकी आने वाली कुछ और डेट्स इसी फिल्म में बुक है। कम से कम वो इस फिल्म का काम जून या जुलाई मिड तक करेंगे, जिसके बाद ही वो फाइटर का श्री गणेश कर पाएंगे। खबरों की माने तो ऋतिक और दीपिका फाइटर के लिए अगस्त में साथ आएंगे और इसके बाद एक ही शेड्यूल में फिल्म का काम पूरा करेंगे। कहा जा रहा है कि ये काफी लंबा चलने वाला है, करीब 100 दिनों तक इस मूवी की शूटिंग होगी, वो भी अलग अलग लोकेशंस पर, जिसका मतलब साफ है कि फाइटर कंप्लीट ही साल 2022 के आखिरी में होगी। फिर इसमें एडिटिंग वर्क, पैच वर्क और एक्स्ट्रा शॉट वगैरह कंप्लीट करने में ही कई महीने लग जाएंगे, जिससे साफ होता है कि साल 2023 के शुरुआती महीने में तो ये फिल्म कतई रिलीज नहीं हो पाएगी। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है क्योंकि दोनों ही फिल्मों की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है और दोनों फिल्मों के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, और ऐसे में दोनों ही नहीं चाहते हैं कि उनकी दोनों बड़ी फिल्मों का आपस में क्लैश हो और इस क्लैश की वजह से दोनों ही फिल्मों को नुकसान उठाना पड़े। फिलहाल इसकी नई रिलीज डेट पर से तो पर्दा नहीं उठा है, हालांकि इंतजार है मेकर्स की तरफ से फाइटर के पोस्टपोन होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट और इसकी नई रिलीज डेट लॉन्च करने का। अब अगर ऐसा होता है, वाकई ऋतिक की फाइटर की भी रिलीज टल जाती है, तो ये शाहरुख खान की पठान के लिए एडवांटेज साबित होगा। रिपब्लिक वीकेंड पर सोलो रिलीज मिलना किसी सपने से कम नहीं। ऐसे में शाहरुख की कमबैक फिल्म के पास अपना जलवा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। देखना होगा कि शाहरुख खान की मल्टी स्टारर पठान बॉक्स ऑफिस पर कौन सा कमाल करके दिखा पाती है और साल के पहले ही बड़े वीकेंड पर क्या अपना झंडा गाड़ने में सफल हो पाती है या फिर नहीं। वेल, आपको इस बारे में क्या कुछ लगता है और शाहरुख की पठान को देखने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।